सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किस्मत भी पाकिस्तान से खफा है। दूसरी बार फील्ड एम्पायर की हार ना में बदल गई। केप टाउन टेस्ट में ग्रोस ऑक्सफोर्ड की नजरों में दुरुस्त गेंद संद्राम रवि के लिए गलत करार पाया। मोहम्मद अब्बासी गेंद पर 3 रन बनाकर आउट करार पाने वाले बाउमा को इनिंग जारी रखने का मौका मिल गया और वो स्कोर 75 तक पहुंचाकर रुखसत हुए। हेड कोच की आर्थर ने सख्त मायूसी के बावजूद जिप्त का दामन ना छोड़ा। तफसीलात के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान दूसरी बार थर्ड एम्पायर ने फील्ड एम्पायर का फैसला तब्दील करते हुए पाकिस्तान को विकेट से महरूम रखा। सेंचुरियन में 149 रन के हदफ के ताकुब करते हुए जनूबी अफ्रीका ने एक विकेट गवा कर 16 रन बनाए। इस वक्त डेन एल्गर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। शाहिनशाह अफरीदी की गेंद पर पहली स्लिप में अजहर अली ने कैच लिया। फील्ड एम्पायर ब्रोस ऑक्सफोर्ड और संद्राम रवि ने आपस में बात करने के बाद दुरुस्त होने का इशारा दिया, लेकिन थर्ड एम्पायर जोएल ऑल्सन ने फैसला बैट्समैन के हक में दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेटर हैरान हुए, जबकि मिकी आर्थर तो जोएल विल्सन के कमरे में जा धमके और सवाल किए। ICC ने इन्हें वार्निंग के साथ एक डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया। बाद अदा कप्तान सरफराज अहमद और ग्रैंड फ्लावर ने भी कैच ना दिए जाने का फैसला गलत करार दिया। केप टाउन टेस्ट में जुम्मे को फिर इसी नौयत का वाकया पेश आया। जनूबी अफ्रीका का टोटल 4 विकेट पर 156 और पाकिस्तानी बॉलर दबाव बढ़ाने के लिए कोशाते। मोहम्मद अब्बास की गेंद पर बाउमा ने स्लिप में मौजूद अजहर अली को कैच दिया। एम्पायर ब्रोस ऑक्सफोर्ड ने इसके दुरुस्त होने का मस्बत इशारा दिया। इस बार थर्ड एम्पायर जोएल विल्सन के बजाय संद्राम रवि थे। उन्होंने फैसला बैट्समैन के हक में दे दिया। स्टेडियम में मौजूद शायकीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। मिकी आर्थर सख्त मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता गलती से सबक सीखते हुए कुर्सी पर जमे रहे। बाउमा को 3 रन पर इनिंग जारी रखने का मौका मिला और वो अपना स्कोर 75 तक पहुंचाकर रुखसत हुई। तो दोस्तों ये थी मिकी आर्थर के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।